डीएमके नेता उदय निधि का पुतला है। आज हमने जो है प्रतीकात्मक पुतला दहन किया है। अरे कहना क्या चाहते हो? और तलवारों से उनका सर कलम किया है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा है कि मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। और इसके बाद बेशर्मी से उन्होंने बयान दिया कि वो अपने बयान पर कायम है। सनातन धर्म को अगर मिटाने की कोई बात करेगा वो जरूर मिट जाएगा। अच्छा, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं क्या तुम पे जॉब छोड़ दूं? आज मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूँ। जो डीएमके नेता उदय निधि का सर काट के ले आएगा वो हमसे 10 करोड़ रुपए का ले जाए पुरस्कार। नहीं। और इसके बाद भी अगर कोई नहीं ले आया तो हम तलवार तैयार कर लिए हैं। भाई सिर्फ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। मैं स्वयं रवाना होऊंगा और उसका सर काटूंगा। क्या? उसका सर काटूंगा। जाके इलाज करो। दोस्तों ये भौसड़ी वाला बाबा जो गजब बेइज्जती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन इसकी सच्चाई में बता दूं कि अनशन पर बैठा हुआ था लेकिन रोज शाम को मुर्गा पिज्जा बर्गर खाता था, पकड़ा गया। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री यमके स्टालिन के बेटे उदय निधि स्टालिन ने हिंदू धर्म को मलेरिया जैसी बीमारी बताकर उसे खत्म करने की बात कही है। मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसको लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है और काफी विरोध भी हो रहा है। कई जगहों पे तो उदय निधि स्टालिन के ऊपर FIR दर्ज भी करा दी गई है। जी हाँ, खैर लेकिन मेरा मानना है कि ये लोग पॉलिटिक्स लोग हैं और पॉलिटिक्स बयाने इनकी चलती रहती है इस तरह की, और इनके बयानों का तर्क देखो हम नहीं निकाल पाएंगे, ये पॉलिटिक्स लोग ही समझे तो बेहतर होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ठीक है, क्योंकि अगर इसने हिंदू धर्म को डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी बताकर खत्म करने की बात कही है तो दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री जो बीजेपी समर्थक हैं उसने कहा है कि इस्लाम जो है कोरोना की तरह खत्म हो जाएगा और कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा, ये लोगों की आपसी अपनी बयानबाजी होती है, ये लोग आपस में ही समझे तो बेहतर होगा। अगर हम इनके बीच में उलझेंगे तो भैया हम आपस में लड़ते रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुत्तों की तरह भौंकने वाला, गैंडा की तरह दिखने वाला ये अर्धनग्न प्राणी जो खुद को जगत गुरु परमहंस कहता है, लेकिन मैं भाई सच्चाई बता रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ, इसको 1% भी ज्ञान नहीं है, जगत का गुरु का एक घंटोला बन रहा है। दूसरी तरफ मैं बता दूं कि ये जब भी कोई पॉलिटिक्स की तरफ से बयान आता है, जब भी कोई पॉलिटिक्स लोग आपस में कोई मतलब बयानबाजी करते हैं तो ये बीच में मेंढक की तरह उछल कर आ जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसकी करतूतें कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, जो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और उसे मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। इसके पहले जब पठान फिल्म आ रही थी शाहरुख खान की, तब दीपिका पादुकोण के भगवे बिकनी को लेकर काफी बवाल मचाया गया था। तब ये बीच में बरसाती मेंढक की तरह उछलकर आकर कूद कर कह रहा था कि मैं शाहरुख खान की तिरही कर रहा हूँ, तो शाहरुख खान की तलवार से गर्दन काटूंगा, तो हिक करूंगा, हुक करूंगा। लेकिन शायद इस गैंडे जैसे मोटे बाबा को किसी ने बताया नहीं कि बाबा जी तुमसे 100 गुना बेहतर शाहरुख खान के चपरासी हैं और तेरी औकात नहीं है शाहरुख खान के गेट के बाहर खड़े होने की, और तू शाहरुख खान पे टिप्पणी कर रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरी तरफ जब दिल्ली में बौद्ध सम्मेलन हुआ था और बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिए थे, तब ये आम आदमी पार्टी के नेता रहे राजेंद्र पाल गौतम की गर्दन काटने की इनाम रख रहा था। मैं 10 लाख का इनाम रख रहा हूँ राजेंद्र पाल गौतम की कोई गर्दन काट के लाए। मैं सच्चाई बता दूं कि इसके चमचे और ये राजेंद्र पाल गौतम की एक बाल भी बाका नहीं कर पाए और राजेंद्र पाल गौतम सुट्टा सांड की तरह घूम रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी तरफ जब रामचरितमानस को लेकर विवाद शुरू हुआ, तब इसने बिहार के RJD नेता चंद्रशेखर यादव की गर्दन काटने की बात कह रहा था लेकिन एक रुआ भी नहीं काट पाया। वही समाजवादी पार्टी के नेता जो वर्तमान में है स्वामी प्रसाद मौर्य, जब हिंदू धर्म और रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर उन्होंने कुछ बयान दिए, तब ये उनकी गर्दन काटने के लिए इनाम रख रहा था। ये भी था और एक राजू दास था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने राजू दास की इतनी पिटाई कर दी कि कैमरे पर आकर रो रहा था वो, लेकिन ये बच गया गैंडा।
दोस्तों ये भोंसड़ी वाला बाबा जो है गजब बेइज्जती है, हमेशा उल्टा सीधा बयानबाजी करता रहता है, क्योंकि इसके पहले भी इसने अनशन रखा था हिंदू राष्ट्र को लेकर। कहा था कि अगर 2 अक्टूबर तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो मैं सरजू नदी में जाकर जल समाधि ले लूंगा। लेकिन इसकी सच्चाई में बता दूं कि अनशन पर बैठा हुआ था, लेकिन रोज शाम को मुर्गा पिज्जा बर्गर खाता था। पकड़ा गया और जब 2 अक्टूबर बीत गया, देश हिंदू राष्ट्र नहीं बना, तब एक गैलन पानी लेकर आया था और कहा था मैं इसमें नाक दर के मर जाऊंगा। अबे भोंसड़ी के बाबा, कोई गैलन वाले पानी में कैसे डूब कर मरेगा बता मेरे को, कैसे मरेगा? दोस्तों ऐसे चूतिए बाबा की वजह से ना केवल हिंदू लोगों का मजाक बनता है, बल्कि हिंदू धर्म को अब बदनाम भी होना पड़ता है। दुनिया भर में इस हिंदू धर्म का मजाक उड़ता है ऐसे चूतिए बाबाओं की वजह से। और ये इनाम रखता है बार बार, क्योंकि फिर इसने इनाम रखा है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन पर। कह रहा है कि उसकी गर्दन कोई काट के लाए तो मैं उसे 10 करोड़ दूंगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे डीएमके नेता उदयनिधि का पुतला है, आज हमने जो है प्रतीकात्मक पुतला दहन किया है। अरे कहना क्या चाहते हो? और तलवारों से उनका सर कलम किया है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा है कि मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। और इसके बाद बेशर्मी से उन्होंने बयान दिया कि वो अपने बयान पर कायम है। सनातन धर्म को अगर मिटाने की कोई बात करेगा वो जरूर मिट जाएगा। अच्छा, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? आज मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूं। जो डीएमके नेता उदय निधि का सर काट के ले आएगा वो हमसे 10 करोड़ रुपए का ले जाए पुरस्कार। नहीं और इसके बाद भी अगर कोई नहीं ले आया तो हम तलवार तैयार कर लिए हैं, मैं स्वयं रवाना होऊंगा और उसका सर काटूंगा। क्या? उसका सर काटूंगा, जाके इलाज करो। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे चपड़ गंजुओं को भाई छोड़ क्यों रखे हो? ये इनाम रखता है बार बार, इसके पास पैसा कहाँ से आता है? इसकी जांच क्यों नहीं होती है? कौन इसको सपोर्ट करता है? कौन कहता है कि भाई तू गर्दन कटवा, हम तुझे पैसे देंगे और तू ले जाकर उससे देना? नहीं भोंसड़ी के, अगर तेरी गांड में दम है, कीड़े काट रहे हैं, तो तू जाके उसकी गर्दन काटना, दूसरों क्यों मतलब बीच में ढकेल रहा है? मैं इसको सच्चाई बता रहा हूँ कि अगर इसको गर्दन काटनी है उदय निधि स्टालिन की, तो ये अपने चमचों को लेकर और खुद तमिलनाडु पहुँच जाए। मैं एकदम पूरी 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि अभी तो ये अर्धनग्न घूम रहा है, लेकिन तमिलनाडु के उदय निधि स्टालिन के समर्थक इसे इतनी मार मारेंगे कि पूरा नंगा घूमता हुआ मिलेगा और इसकी इज्जत पे कोई कपड़ा भी डालने नहीं आएगा। देश भर से एक भी व्यक्ति नहीं आएगा। इस गजेड़ी व्यक्ति की दांत देख लोगे तो आपको खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। पता नहीं कौन इसे बाबा कहते हैं, ये संत नहीं शैतान है। ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में रखना चाहिए और इसकी पिछवाड़े पर सरिया लाल करके दागना चाहिए ताकि इसके अक्ल और होश ठिकाने आ जाए। खैर इस बाबा के विचारों पर आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना मेरे दोस्त, बहुत जल्दी बताना।